कौन सी नई बात है, यही सब तो 2014 से लोग बोलते आए हैं। क्या मिल गया? हकीकत है, जितना प्रहार ये लोग प्रधानमंत्री जी पर इस तरीके से करेंगे, उतना ही फायदा राजनीतिक तौर पर एनडीए गठबंधन को होता है। जितने बार इन्होंने अपमानित शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए किया, जितनी बार उनको गलत ठहराने का प्रयास किया, उतना ही देश की जनता ने उनका समर्थन किया। नमस्कार, देख रहे हैं आप थ्री पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव में अब बस से कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें कि इस क्रम में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा है, ट्वीट करके या लिखते हुए नजर आए हैं कि अगर बीजेपी ईडी सीबीआई हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म छोड़ दे तो 100 सीटों में सिमट के रह जाएगी, 100 सीटों से अधिक सीटें नहीं ला पाएगी, जिसको लेकर पलटवार करते हुए नजर आए हैं चिराग पासवान। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि कौन सी नई बात है, 2014 से ये लोग यही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये सभी लोग जानते हैं। जितना ये लोग प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे, उतना ही राजनीतिक तौर पर एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया रोहिणी आचार्य को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब परिणाम में बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, जब 4 जून को परिणाम आएगा तो उसी में पता चल जाएगा कि कौन किसको टक्कर देगा। गौरतलब है कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके यह लिखा था कि पहले भाई बहन से लड़ ले, उसके बाद फिर लालू यादव तक पहुंचे, मेरे पिता तक पहुंचे, जिसको लेकर आज पलटवार करते हुए नजर आए चिराग पासवान। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, 2014 से ये लोग इसी तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ केजरीवाल मामले को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। चिराग जी, तेजस्वी यादव ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि 100 सीट के अंदर सिमट जाएगी बीजेपी अगर वो हिंदू मुस्लिम धर्म मुस्लिम ईडी आईटी ये सब नहीं करे तो। कौन सी नई बात है, यही सब तो 2014 से लोग बोलते आए हैं। क्या मिल गया? हकीकत है, जितना प्रहार ये लोग प्रधानमंत्री जी पर इस तरीके से करेंगे, उतना ही फायदा राजनीतिक तौर पर एनडीए गठबंधन को होता है। जितने बार इन्होंने अपमानित शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए किया, जितनी बार उनको गलत ठहराने का प्रयास किया, उतना ही देश की जनता ने उनका समर्थन किया। क्योंकि हकीकत है, देश की जनता भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये पूरा गठबंधन, जब ये लोग दिल्ली में भी गए थे रैली करने केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद, उस मंच पे कौन लोग थे भैया? ये वही लोग थे जिनकी पर्ची केजरीवाल जी लेके घूमते थे। आज इंडिया अलायंस में कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनकी पर्चियों के नाम लिखकर केजरीवाल जी बोलते थे कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। तो आज वही भ्रष्ट लोग एक साथ एकजुट होकर इंडिया अलायंस उसको अपना नाम देकर ये लोग एक गठबंधन का हिस्सा बने हैं। ऐसे में देश की जनता ने पहले भी कई बार इनको नकारा है, आगे भी नकारा। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पहले भाई बांध समझ ले, उसके बाद हमारे पिताजी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी देख लेंगे। दिन कितने दूर हैं? 4 जून को तो परिणाम है ही। रोहिणी आचार्य पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे चिराग पासवान, सुना आपने। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि 2014 से ये इसी तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है यह सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ साथ केजरीवाल मामले को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए चिराग पासवान, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।